सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं किंग्समैन और किक-ऐस के डायरेक्टर मैथ्यू वेंग के बारे में, जिन्होंने इन दोनों फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो क्या है वो, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें किंग्समैन की, तो किंग्समैन का एक टीवी शो आने वाला है। जी हाँ, ये बात ऑफिशियली कंफर्म की गई है और इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी बात बताने वाला हूँ इन सभी बातों को कंफर्म किया है इस फिल्म के डायरेक्टर मैथ्यू ने। उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था एम्पायर्स अवार्ड में, जहाँ पर उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स बताए कि वो इन दोनों सीरीज के साथ में क्या करने वाले हैं। तो एक हिसाब से बात की जाए किंग्समैन की, तो आप ये सोच रहे होंगे कि किंग्समैन का थर्ड पार्ट आएगा, लेकिन नहीं, किंग्समैन का थर्ड पार्ट नहीं बल्कि हमें इसके अगले पार्ट में ये बताया जाएगा कि किंग्समैन कैसे बनी थी। यानी ये फिल्म सीधे पहुंच जाएगी 80s में और एक तरफ इसका टीवी शो आ रहा है जिसमें ये बताया जाएगा कि स्टेटमैन कौन थे। तो एक साथ इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो जाएगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि किंग्समैन और स्टेटमैन कहां से आए थे और वो लोग उस टाइम पर कैसे काम करते थे। और अब आ जाए किक-ऐस पर, तो शायद वो किक-ऐस की सीरीज को मार्वल की तरह बनाना चाहते हैं क्योंकि किक-ऐस की कॉमिक बुक भी आती है, ये बात शायद आप सबको पता है। तो जब उन्होंने किक-ऐस 1 बनाई थी वो फिल्म एक जबरदस्त हिट थी, लेकिन जब इसका सेकंड पार्ट आया था तो वो पार्ट हिट था लेकिन ऑडियंस ने उस फिल्म को इतना पसंद नहीं किया था क्योंकि उस फिल्म को डायरेक्ट जेफ वुडलो ने किया था, ना कि मैथ्यू ने। और अब फिर से ये सीरीज मैथ्यू के हाथ में चली गई है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि वो किक-ऐस और हिट गर्ल पर एक अलग अलग फिल्म बनाएंगे और इस चीज को फैंस को देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा और फिर वो एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे किक-ऐस के यूनिवर्स में। तो एक हिसाब से किंग्समैन और किक-ऐस की सीरीज को रीबूट किया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बात है। वेल, तो आपकी क्या राय है इन दोनों फिल्म की सीरीज को लेकर मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैथ्यू ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है या नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।